नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो बेटा, आज आप लोगों का पेंटिंग का पेपर था जिसके लिए आप लगातार काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। आशा करती हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी आया था, मैंने देखा है, और उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं इस वीडियो में आप लोगों के पास आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा घुमा करके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, कन्फ्यूज़ भी नहीं किया गया था। एक तरह से देखा जाए तो पेपर आपका सरल था। तो इसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले बेटा, अगर आपने शिक्षा प्रवाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट रहने के लिए, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, अपने मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE मटेरियल्स वगैरह के लिए। ठीक है बेटा, तो जैसे कि पेपर आपको मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ था, आप लोगों को पता था कि किस तरह का डिज़ाइन होने वाला है आपके एग्ज़ाम का। तो आपका एग्ज़ाम पेपर का डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था, 15 नंबर का 1 घंटे का पेपर था ये। 6 क्वेश्चन इसके अंदर आपको अटैम्प्ट करने थे। पहला प्रश्न 2 नंबर में जो आपसे पूछा गया था वो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विषय में आप क्या जानते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 1921 में गांधी जी द्वारा स्वीकृत ध्वज से कितना अलग था, रंग डिजाइन एवं प्रतीकों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा, इसके अंदर हमारा जो करंट में 1947 में जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों का एक्सेप्ट किया गया था उसका कंपेयर करना था 1921 के राष्ट्रीय ध्वज से, जिसको स्वीकृति दी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। क्योंकि 2 नंबर में है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं करना था, आपको पता था कि ये विजयवाड़ा अधिवेशन में एक्सेप्ट किया गया था तिरंगे को, जो कि आंध्र प्रदेश में था और बनाया था पिंगली वेंकैया ने। तो आपको सिर्फ इस चीज़ों को लिखने के बाद आपको ये बताना था कि इसकी इसके अंदर 3 कलर का जो था यूज़ किया गया था तिरंगे को बनाने में, 3 कलर की 36 पट्टियाँ थीं बेटा, जिसके अंदर सबसे ऊपर ग्रीन कलर था, जिसके ऊपर 8 फूलों को बनाया गया था कमल के, और उसके बाद पीली रंग की एक पट्टी थी जिसके ऊपर ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर से वंदे मातरम लिखा था, और सबसे नीचे जो रेड कलर की पट्टी थी उसके ऊपर एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद बनाया गया था, चांद के ऊपर एक सितारा भी अंकित किया गया था। बस ये चीज़ आपको बताना था कि 1921 का जो ध्वज था वो ऐसा दिखता था, और 1947 यानी कि वर्तमान में जो हमारा तिरंगा झंडा है वो कैसा दिखता है आप सभी को पता है, 3 पट्टियाँ हैं, ऊपर नारंगी रंग है, बीच में सफ़ेद और लास्ट में ग्रीन रंग है। नारंगी रंग जो है वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। उसके ऊपर एक 24 तिल्लियों वाला चक्र बनाया गया है, जो कि नेवी ब्लू कलर से दिखाई जाती हैं वो तिल्लियाँ, जो दिन के 24 घंटे को दिखाता है ना। और इसके अलावा लास्ट में जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपेयर करना था, बहुत ज़्यादा लंबा इसके अंदर नहीं लिखना था, क्योंकि आपको रंग डिज़ाइन और प्रतीकों के आधार पर बताना था, तो इसलिए इन चीज़ों का उल्लेख करना ज़रूरी था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा रवि वर्मा के चित्रों की विषय वस्तु एवं उनकी चित्रण शैली पर प्रकाश डालते हुए उनके किसी प्रसिद्ध चित्र के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर राजा रवि वर्मा की जो चित्रण शैली थी उसके साथ ही साथ आपको उनके किसी भी चित्र का विवेचन कर देना है। तो हमारे सिलेबस में राजा रवि वर्मा का चित्र कौन सा था, समुद्र का मनमर्दन करते श्रीराम। तो आपको उस वाले चित्र का विवेचन कर देना था जो था, और क्योंकि 2 नंबर में है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना था, लिखना था कि ये चित्र है, इन्होंने तब बनाया है, और तेल रंगों का प्रयोग किया अपनी, क्योंकि इनकी चित्रण शैली भी आपको यहाँ पर बतानी है, तो विषय वस्तु में आपको बता देना था कि इन्होंने अपने चित्रों के जो विषय हैं वह पौराणिक विषयों को चुना है, उन्होंने देवी देवताओं से संबंधित चित्रांकन किया है। तेल रंग का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था भारतीय कला में वो राजा रवि वर्मा थे। तो आप ये तेल रंग का एक पॉइंट उसके अंदर लिख सकते थे कि उनकी जो चित्रण शैली है वो तेल रंग पर आधारित है, और इसके अलावा पाश्चात्य प्रभाव उनकी कला में था, यथार्थवादी चित्र वो बनाते थे। ठीक है, तीसरी विशेषता आप उसके अंदर वो यहाँ पर आपको लिखनी थी। ठीक है, और जो उनका चित्र था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था, समुद्र का मनमंदन करते राम, बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना था क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन।
तीसरा प्रश्न है बेटा आपका, ये भी दो नंबर के लिए है, कि एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसने भारतीय पुनर्जागरण में सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जनक माना जाता है। तो आप लोगों को पता है बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने पुनर्जागरण और सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगर आप इस चीज़ से इसको नहीं पहचान पाए तो आप जापानी वॉश तकनीक से इसको ज़रूर पहचान गए होंगे, क्योंकि इन्होंने ही वॉश तकनीक को पहचान कराया भारतीय कलाकारों का, है ना। तो ये था, अगर आप इससे भी पहचान नहीं पाए तो तीसरी बात जो इन्होंने दे रखी है कि बंगाल शैली के बंगाल शैली नाम की नवीन कला का सूत्रपात इन्होंने किया। तो बंगाल शैली की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घुमा करके इन्होंने नहीं दिया है, बहुत सिंपल और इजी पेपर आया आप लोगों का है ये पेंटिंग का। तो इस कलाकार को पहचानना है तो कलाकार हमने पहचान लिया, अब बताना क्या है, इनका नाम बताना है। तो वह कलाकार जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी, जापानी वॉश तकनीक को इंडिया में लेकर के आए, और इसके अलावा जिन्होंने बंगाल शैली का सूत्रपात किया, उनका नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है। और उनका प्रमुख माध्यम क्या था, तो उन्होंने जल रंग का प्रयोग जो है वो वॉश तकनीक में किया है, ठीक है, ये उनका माध्यम था। और इनकी प्रमुख कलाकृति का नाम, तो आपने इनकी कई कलाकृति पढ़ी है, आपने भारत माता पढ़ी, यात्रा का अंत पढ़ी, तो आप किसी भी एक कलाकृति का नाम यहाँ पर दे सकते थे, ठीक है। तो समझिए आपने जीवन संध्या या फिर जो कि एक ही चित्र है यात्रा का अंत, इसका आप थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर आपको लिख देनी थी कि इन्होंने यात्रा का अंत जो चित्र है वो वॉश पद्धति में बनाया है और तब बनाया है, है ना। और इस चित्र में उन्होंने एक ऊँट को मरणासन अवस्था में थकाहारा, भूख से थकाहारा दिखाया है, जो कि काम के बोझ से दबा हुआ है। इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर लिखने का नीड नहीं था। उसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की आपको ऑप्शन भी दिया गया है, एक इंटरनल चॉइस यहाँ पर दी गई है। दो नंबर का बेटा ये प्रश्न है आपका, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मेघदूत श्रृंखला का चित्रांकन किया। अपने पाठ्यक्रम में समाहित इस कलाकार के चित्र का माध्यम बताते हुए इनकी चित्रण शैली के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो बेटा आप लोगों को पता है कि मेघदूत जो चित्र है वो राम गोपाल विजयवर्गीय का है, है ना। तो अब आपको क्या करना था कि पाठ्यक्रम में समाहित, तो पाठ्यक्रम में आपके मेघदूत ही है, तो आपको मेघदूत का जो है वो बताना था, डिटेलिंग करनी थी कि मेघदूत में। हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे मेघदूत के, जो कि रामगोपाल विजयवर्गीय का है, तो आपको रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्र मेघदूत के बारे में यहाँ पर बता देना था कि वो मतलब वह टेम्परा और वॉश पद्धति से बनाया गया एक चित्र है, जो कि 1940 में रामगोपाल विजयवर्गीय ने कागज पर बनाया है। वर्तमान में इस चित्र को कहाँ पर देखा जा सकता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसके अलावा आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। इसके अलावा बेटा जो आपका ऑप्शन इसके अंदर इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना था कि आपने अध्ययन के पाठ्यक्रम में किन्हीं दो मूर्तिकारों के नाम बताइए जो श्रमिक वर्ग के दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। इन मूर्तियों की विषय वस्तु एवं इन्हें बनाने में प्रयुक्त सामग्री के विषय में बताइए। तो दो मूर्तिकारों के नाम बताना है जिन्होंने श्रमिक वर्ग पर दैनिक जनजीवन से संबंधित चित्रण किया है। आप देवी प्रसाद राय चौधरी को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे बेटा, जिन्होंने श्रम की विजय चित्र बनाया है। और दूसरा आप यहाँ पे रामकिंकर बैच को भी दिखा सकते थे, जिन्होंने संथाल परिवार इन्होंने जो चित्र बनाया है, मूर्ति शिल्प बनाया है। और इसको बनाने में जो सामग्री, आपको पता ही है कि संथाल परिवार को बनाने में उन्होंने सीमेंट, कॉन्क्रीट इन सब का प्रयोग किया है रामकिंकर बैच ने, और कांस्य धातु में बनाया है श्रम की विजय को देवी प्रसाद राय चौधरी में। थोड़ा सा बस इन दोनों मूर्ति शिल्प के बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते थे। बेटा अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको एक इंटरनल चॉइस आई हुई है और ये केस पर आधारित प्रश्न है। पहला जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है वो है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय सक्रिय प्रमुख कलाकारों के विषय के बारे में लिखिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन से कलाकार सक्रिय थे, आपने अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, अमृता शेरगिल को पढ़ा, आपने क्या नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा, है ना। तो प्रमुख कलाकारों के बारे में लिख दिया। आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को भी पढ़ा था, जिन्होंने आनंद मठ उस वक्त लिखा था, जो कि क्रांति लाने का एक तरह से कहें तो मतलब शुरुआत ही थी, ठीक है। अब दूसरा है, इसके बाद पूछा गया है स्वतंत्रता आंदोलन में इन कलाकारों ने किस तरह से अपना योगदान दिया,
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो उपन्यास था उसके अंदर उन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा, जिसको कि जनमानस ने सुना और उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना जागी। बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने भारत माता चित्र को बनाया और भारत माता की कुछ इस तरह की दशा को दिखाया, जिससे कि जो आम आदमी है उसके मन में स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ में लिख सकते थे। तीसरे में आपको लिखना था, ऐसी किसी एक कलाकृति के विषय में लिखिए जिसने आज़ादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आप एक भारत माता चित्र का भी विवेचन कर सकते थे या फिर आप आनंद मठ में लिखा हुआ वंदे मातरम गीत का भी विवेचन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम पेंटिंग के बच्चे हैं तो हम जाएंगे किस पर, भारत माता चित्र का विवेचन करने पर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता बनाया था या तो आप वो बता सकते हो, अमृता शेरगिल ने भी बनाया था वो भी बता सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए इसके अंदर 3 पार्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रत्येक पार्ट के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। अथवा में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, अपने पाठ्यक्रम में शामिल छापाकार अनुपम सूद के प्रिंट के शीर्षक संयोजन एवं विषय वस्तु के बारे में लिखिए। प्रिंटिंग में इनके द्वारा प्रयुक्त माध्यम एवं तकनीक के विषय में संक्षेप से बताए। तो बेटा अनुपम सूद का जो प्रिंट था वो कौन सा था, दीवारों से सरोकार। तो सबसे पहले आपने उसका शीर्षक बता दिया, अब उसका संयोजन आपको बताना था, विषय वस्तु बतानी थी, टॉपिक बताना था, तो ये सारी चीज़ें बतानी थी कि लिथोग्राफ तकनीक में बना है, कागज़ पर बना है, 1982 में बना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, आधुनिक काल की कृति है, और इस चित्र में जो भी दिखाया गया था, ठीक है, कौन सी मतलब तकनीक, क्योंकि इन्होंने लास्ट में पूछी है, तो तकनीक आपको लिथोग्राफ बतानी थी, ठीक है, और ये ज़रूर बतानी थी, माध्यम आपको कागज़ बताना था, और इसके अलावा इस चित्र को आपको एक्सप्लेन कर देना था कि भाई एक महिला है जो बैठी हुई है जिसका चेहरा जो है दिखाया नहीं गया है, तो सामने ही उसका जो पति है उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है जिसके सिर्फ पैर दिखाए गए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर एक महिला की दशा को चित्रकार ने दिखाने का प्रयास किया है कि जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। इसी कारण से चित्रकार ने यहाँ पर महिला के फेस को नहीं दिखाया था। और भी जो चीज़ें आपको इसके बारे में याद थी आप वो चीज़ इसमें लिख सकते थे। इसके अलावा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपसे 4 नंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, अपने पाठ्यक्रम में शामिल चित्र हल्दी ग्राइंडर्स की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो चित्र के चित्रकार का नाम, तो हल्दी ग्राइंडर्स चित्र किसने बनाया था, अमृता शेरगिल ने, पहली चीज़। दूसरा, चित्र का माध्यम एवं विषय वस्तु। तो बेटा चित्र का माध्यम क्या था, अमृता शेरगिल ने तेल रंगों से इस चित्र को बनाया था और यथार्थवादी तकनीक में बनाया था। विषय वस्तु जो है उन्होंने ग्रामीण परिवेश को दिखाया था, इसके अलावा कैनवास पर यह चित्र उन्होंने बनाया है, यथार्थवादी चित्र है, ठीक है, चटकीले रंगों का प्रयोग उन्होंने किया है। चित्र में चित्रकार द्वारा अभिव्यंजित भाव, तो किस तरह के भाव अमृता शेरगिल ने इस चित्र में दिखाए हैं कि ग्रामीण महिलाओं का जो परिवेश है कैसा होता है, किस तरह से उनकी दैनिक मतलब क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों को कैसे करते हैं, क्या उनके मन में अपने कार्य को करते हुए भावजनित होते हैं, वो सब, और जो उन्होंने रंगों का ग्रामीण परिवेश में जिन रंगों को, चटक रंगों को जो उन्होंने प्रयोग किया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी। चौथा, चित्र का कलात्मक संयोजन एवं कलाकार की चित्रण शैली। तो चित्रण शैली में आप लिख सकते थे कि यथार्थवादी चित्र थे उनके, जो कि उन्होंने ग्रामीण मतलब उनका जो विषय था वो तो भारतीय था, लेकिन जो तकनीक थी वो पाश्चात्य थी, यानी कि यथार्थवादी थी। कलात्मक संयोजन में बेटा आप लोग बता सकते हैं कि कितनी आकृतियाँ अमृता शेरगिल ने इस चित्र में चित्रित की थी, किस किस रंग से उन्होंने चित्र, पास वाली जो महिला है जो बिल्कुल उसको किस रंग से उसने चित्रित किया था, और जो सबसे दूर महिला को उन्होंने चित्रित किया था वो किस रंग से चित्रित किया था, किस तरह का उनका संयोजन था। तो इस तरह से बेटा आपको इस अपने क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करना था। आशा करती हूँ बेटा आप सभी ने अपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया होगा। मेरी वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, आपने लिखने के पैटर्न को ज़रूर ध्यान में रखा होगा,
और अब आपके नंबर भी बहुत अच्छे इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, पेपर कैसा आया था, उनको वीडियो से कितनी हेल्प मिली और मुझे किन चीज़ों का अपनी नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना चाहिए। और बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।